तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्टिंग के एसईओ के बारे में। तो इसके रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी बना रखी है, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिस्टिंग एसईओ एक्चुअल में होता क्या है, तो मान के चलिए आप कोई भी बायर एक मीशो के पैनल पर जाता है, राइट। अब मीशो के पैनल पर वो लिखता है चप्पल, राइट। अब आपको भी पता है कि कोई भी अगर आप स्लीपर जो है वो बेच रहे हो तो आप चप्पल करके तो नहीं लिखोगे, बट कहीं ना कहीं बायर कुछ भी लिख सकता है। अब बायर ने लिखा चप्पल रखने वाला स्टैंड, राइट। बायर हिंदी में भी लिख सकता है और अब तो वॉइस सर्च आ गया है, तो बायर कुछ भी बोल सकता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि जूते रखने वाला बॉक्स, इस तरीके से कुछ भी रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हर प्रोडक्ट का जो टाइटल है अमेजिंग बॉटल रैक, उसके बाद यहाँ पर है ट्रेंडिंग न्यू रैक, मतलब इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, चप्पल रखने वाला स्टैंड। उसके बावजूद भी आप देखोगे ये प्रोडक्ट सबसे टॉप में आ रहा है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट की रैंकिंग कैसे हो रही है। इसके साथ साथ सेम फ्लिपकार्ट पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट सर्च करोगे तो कुछ प्रोडक्ट टॉप में आते हैं, कुछ उसके नीचे आएंगे, कुछ और नीचे आते हैं। सेम अमेजोन की हम बात करने वाले हैं। तो तीनों पोर्टल पे हम लोग बात करेंगे कि लिस्टिंग एसईओ क्या होता है और एक्चुअल में इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एसईओ को आप समझो, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप गूगल पे या यूट्यूब पे, यूट्यूब और गूगल अभी के टाइम पे सबसे बड़ा जो है वो सर्च इंजन है। अब मान के चलिए आप यूट्यूब पे लिखते हैं कि मीशो गोल्ड, भाई मीशो गोल्ड क्या है, राइट। व्हाट इज मीशो गोल्ड, राइट। तो देखेंगे आपके टॉप में वही वीडियो आएगी जिस वीडियो में सबसे अच्छा एसईओ रखा है या जिस वीडियो में सबसे अच्छा जो उसको देख रहे हैं या जो उस पर फीडबैक दे रहे हैं उन्होंने उससे रिलेटेड फीडबैक दिया हुआ है, तो टॉप में आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स आप सर्च करके देख सकते हो। सेम आप गूगल पे लिखोगे, यही चीज अगर आप गूगल पे लिखते हो, मैं इसको गूगल पे एक बार सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो गूगल पे भी ऑब्वियसली टॉप में आपको मेरी वीडियो मिल रही है यहाँ पर, और वीडियोज के साथ साथ यहाँ पर आपको टैक्स भी मिल जाएगा। तो एसईओ का मतलब है किसी भी कीवर्ड पर अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को या अपने ब्लॉग को या अपने आर्टिकल को टॉप में रैंक कराना। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं कि क्या क्या आप एक लिस्टिंग के अराउंड कर सकते हो अपने फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो में, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग टॉप में आए या रैंकिंग जो अभी आ रही है उससे अच्छा इंप्रूव हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, प्रॉपर समझना, वीडियो थोड़ा लंबी करता हूं मैं ताकि आपको प्रॉपर समझा पाऊं। और हाँ, मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, आप चाहे तो मेरे टीम से कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं अपने मार्केट प्लेस सेलिंग के रिलेटेड। अभी आगे सेल्स भी बड़ी आने वाली है सेल इवेंट, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं, वो होता है टाइटल। ऑब्वियसली जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो हर प्रोडक्ट का आपको एक टाइटल लिखना पड़ता है, राइट। अब टाइटल के लिए हर मार्केट प्लेस पे जो रहता है वो क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे मीशो पे जब आप टाइटल लिखने जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास होता है कि भाई 500 वर्ड या 200 वर्ड का आप कोई भी एक टाइटल लिख सकते हो। अमेजोन पे भी कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी आप कुछ इस टाइप से अपने प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल लिख सकते हो। बट कई कैटेगरीज में आप देखोगे, स्पेशली फ्लिपकार्ट में, आप अपने प्रोडक्ट का, जैसे विमेन सैंडल है और भी कैटेगरी, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल खुद से नहीं लिख सकते, ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट बना के देता है। तो उन जो वर्टिकल्स हैं उनमें आप अलग तरीके से अच्छी स्पेसिफिकेशन डाल के अपने प्रोडक्ट का एक बेहतरीन टाइटल बना सकते हो। अब देखिए टाइटल्स का क्या मतलब होता है, मान के चलिए ये प्रोडक्ट का आपने टाइटल लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है पिजन पॉली प्रोपाइलिन, बापरे इतना भयंकर है ये वर्ड तो, मैं मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, सोचो साइंस में वैसे ही कमजोर थे अब और कमजोर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनी हैंडी एंड कॉम्पैक्ट चॉपर, राइट। तो कॉम्पैक्ट चॉपर अगर कोई लिखता है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद थ्री ब्लेड चॉपर अगर कोई लिखता है, देखिए थ्री ब्लेड भी इसमें लिखा हो, तो थ्री ब्लेड चॉपर में भी ये प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं। उसके बाद चॉपिंग वेजिटेबल्स अगर कोई लिखता है, क्योंकि देखिए बायर इतना कुछ नहीं लिखेगा, राइट। बायर सिर्फ क्या लिखेगा, वेजिटेबल चॉपर, तब आ जाएगा। बायर लिखेगा फ्रूट चॉपर फॉर किचन, वो आ जाएगा। बायर लिखेगा किचन में रखने वाला चॉपर, तो वो आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट कितने ml का है, किस कलर का है, राइट। तो ग्रीन कलर चॉपर भी लिख सकता है। तो इस तरीके से आपके टाइटल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके
प्रोडक्ट की रैंकिंग पर। तो सबसे पहले इनिशियली जब आप बिगिनर होते हो तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, स्पेशली फ्लिपकार्ट अमेजोन पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और अपने प्रोडक्ट का टाइटल प्रॉपर लिखना है, राइट। आप मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि प्रॉपर टाइटल कैसे बनाना है अपने प्रोडक्ट का, तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की बात आती है। तो देखिए, चाहे फ्लिपकार्ट में हो, अमेजोन में हो, मीशो में हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना तो उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखने को आता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश करिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लिखिए। जैसे आप यहाँ पर चेकआउट करिए, ये चीज़ हो गई। उसी तरीके से अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाऊँ तो यहाँ कहीं आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन को आप कितना बेहतरीन तरीके से लिखते हैं और उसमें आप कितने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कितने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हो सकता है बायर सर्च करे, तो उससे आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग इनिशियली काफ़ी अच्छी बूस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर चप्पल का एक दिखाया था, तो हो सकता है कि चप्पल जनरली कोई टाइटल में ना लिखे, बुलेट पॉइंट्स में ना लिखे और कहीं ना लिखे, बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मार्ट तरीके से डिस्क्रिप्शन आपको लिखना। तीसरा है प्रोडक्ट कीवर्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे सेलर इग्नोर करते हैं। आप सबसे पहले ये चेकआउट करिए कि कीवर्ड लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों में मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मीशो पर अभी कीवर्ड लिखने का कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। तो कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो बायर को नहीं दिखता, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट के पीछे कीवर्ड डाल सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट रैंक हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी एक वीडियो भी दिखाई थी आपको, राइट। जैसे मान के चलिए कोई लिखता है व्हाट इज मीशो मॉल, राइट। तो यहाँ पर देखिए मीशो मॉल के रिलेटेड आ गया है कीवर्ड, ये चीज़ें हैं मीशो मॉल के रिलेटेड। देखिए मेरी वीडियो टॉप में यहाँ पर रैंक कर रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरीके के इसमें कीवर्ड्स डले हुए हैं। तो आप सोचिए कि आपके प्रोडक्ट को, देखिए जो चीज़, जो वर्ड आपने लिस्टिंग में यूज़ कर ली है उसको आप हटा दो पहले, तो उसको दोबारा लिख के आप ये मत सोचो कि वो और अच्छा रैंक करेगा। कोशिश करिए अपने कीवर्ड्स में 5 कीवर्ड टॉप ऐसे लिखिए जो आपको लगता है एज अ बायर, सोचिए कि कस्टमर इस तरीके से सर्च कर सकता है, राइट। तो कीवर्ड्स आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज की फीचर एंड बुलेट पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए है। तो यहाँ पर की फीचर्स में आप अपने प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को लिस्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई ले लेते हैं, मैं यहाँ पर कोई लैपटॉप ले लेता हूँ। तो लैपटॉप से रिलेटेड, जैसे ये लैपटॉप है तो यहाँ पर हाइलाइट्स वगैरह, चलिए ये तो बहुत एक ट्रेंडिंग चीज़ हो गई, इनको हम हटा देते हैं एक बार के लिए। हम लिख लेते हैं सैंडल फॉर वेमेन, हम एक बार सर्च कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। वेब में ये चीज़ अभी मुझे दिख नहीं रही है, बट अमेजोन पर अगर आप कोई चीज़ सर्च करोगे, जैसे यही प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, प्लस आपको बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी कस्टमर को यहीं पर शो हो जाते हैं अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो, राइट। तो और आज भी कस्टमर जो है वो 95% कस्टमर जो है वो मोबाइल से ही परचेज करता है। तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, प्रोडक्ट के की फीचर्स होते हैं, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की SEO से रिलेटेड चीज़ें लिखिए, प्रोडक्ट की रैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखिए, प्लस ऐसी चीज़ें लिखिए जो ऑथेंटिक है, राइट। कई सेलर एक गलती और करते हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं कि मैं अपना, मान के चलिए वो बेच रहे हैं इस टाइप का चॉपर, अब वो सोचते हैं कि किचन से रिलेटेड जितने भी सामान हैं उनमें मेरा प्रोडक्ट रैंक हो, नहीं तो इससे आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, उस पर क्लिक्स नहीं आएंगे तो धीरे धीरे विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो आपको ये कोशिश करना है कि रेलेवेंट कीवर्ड में ही रैंक हो, जिससे विजिबिलिटी के साथ साथ आपके प्रोडक्ट पर क्लिक्स भी बने और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और ज़्यादा बने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जिससे आपका प्रोडक्ट का जो इनिशियल रैंकिंग होती है या इनिशियल SEO होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो है A+ and RPD। इसको A+ का मतलब आप ये समझ लीजिए, A+ लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे जो ये प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं आप, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, फोटोज वगैरह लिखी हुई है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ये सब A+ लिस्टिंग में आता है जो कि अमेजोन में होता है। फ्लिपकार्ट में सेम चीज़ को RPD बोलते हैं, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये भी आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट में इस टाइप का डिस्क्रिप्शन डलवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट में ये चीज़ पेड होती है और अमेजोन में ये चीज़ फ्री होती है, तो ये भी आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मीशो पर अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, राइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट छह, इसको बहुत पॉइंट नंबर सिक्स, इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं सेलर्स, वो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दें। ऐसा मत करिए जैसे मैंने पहले बोला कि सारे कैटेगरी में रैंक कराने की, अगर वो उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल, मान के लिए पीयू का मटेरियल लगा है तो आप वही उसमें लिखिए प्लास्टिक लगा हुआ है, या वो प्रोडक्ट कितना वेट है उस प्रोडक्ट का, वो कितना लेंथ उसमें घेरता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मेंशन करनी है। इससे आपके प्रोडक्ट के रिटर्न्स के भी चांसेस कम बनते हैं, प्लस इस एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है, राइट। चलिए पॉइंट नंबर सात में बात करते हैं रेगुलर लिस्टिंग। ये चीज़ लिस्टिंग में करनी नहीं आपको, बट ये चीज़ मेरी तरफ से एक आपके लिए पॉइंट रहेगा हमेशा, जो मैंने नोटिस करा है कि मान के चलिए आपको पता है कि एक महीने में आप 50 लिस्टिंग करते हो, तो एक साथ बल्क में 50 करने के बजाय आप 4 हफ्ते में उसको डिवाइड करिए और हर हफ्ते में 15-15 लिस्टिंग्स इस तरीके से आप करिए। तो जब रेगुलर लिस्टिंग होती है तो मार्केट प्लेस क्या करता है, कोई भी एक लिस्टिंग करोगे तो उसको विजिबिलिटी देता है, देखता है इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो आप कोशिश करिए इस तरीके से हर हफ्ते अगर आप लिस्टिंग करोगे, हर हफ्ते आपको न्यू व्यूज मिलेंगे, हर हफ्ते आपको आपके प्रोडक्ट आगे रैंक होते जाएंगे, राइट। तो रेगुलर लिस्टिंग भी एक लिस्टिंग एसईओ का एक पार्ट। पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉज बैड रेटेड लिस्टिंग। ये भी लिस्टिंग एसईओ में काम कारगर क्यों साबित होता है, मान के चलिए आपने शूज यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब कस्टमर ने कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करा, ठीक है, मान के चलिए प्रोडक्ट में कस्टमर ने सर्च करा टी शर्ट, राइट। अब हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर रेटिंग दिखाता है, ठीक। अब इनमें से ही किसी एक प्रोडक्ट पे कस्टमर क्लिक करेगा, लेकिन अगर किसी कस्टमर किसी सेलर का यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट रैंक हो जाए कभी, इसमें जो रेटिंग है वो बहुत डाउन है, जैसे यहाँ पर 3.8 चल रही है, 3.6 भी है, और नीचे हम आ जाते हैं अगर, तो आपको कई प्रोडक्ट दिखेंगे जिनमें 3.4 3.3 इस टाइप के रहेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर उस पर कभी क्लिक करेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को पता चल गया कि ये बहुत कम आ रहा है, तो कस्टमर क्लिक नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी धीरे धीरे डेड हो जाएगी। और एक प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जब आपकी डेड होगी तो मार्केट प्लेस को लगता है कि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, और इनडायरेक्टली आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो कोशिश करिए जो आपके बैड रेटेड प्रोडक्ट हैं उनको पहले ही आप पॉज कर दो, राइट। जिनकी रेटिंग्स आपकी हो सकता है 3.5 से नीचे जा रही है, तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करिए, थोड़ा देखिए क्या है, किस चीज़ की वजह से इसमें ज़्यादा रेटिंग डाउन हो रही है, और उन प्रोडक्ट को आप फिर इंप्रूवमेंट के लिए लाइए। पॉइंट नंबर 9 इज फोटोज, प्रोडक्ट फोटोज में आप काम करिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मान के चलिए आपने शूज़ लिखा, राइट। अब ये शूज़ है ये जो टॉप में रैंक हो रहे हैं, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जब भी कस्टमर देखे, मान के चलिए मैं इसके ऊपर से कर्सर रखता हूँ तो इसमें फोटोज़ अलग अलग चलती ही रहती हैं, राइट। कहीं ना कहीं सबसे पहले मार्केट प्लेस को ये मैसेज जाता है कि ये प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग हो रखी है, पैकेजिंग का मतलब फोटोज़ का तरीका, इस पे जो फोटोज़ बना रखी हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखी, तो इसको आप आगे रैंक करेंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस हमेशा क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है, राइट। तो आप कोशिश करिए जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए फुटवेयर से रिलेटेड है, तो इनमें आप प्रॉपर डिटेल्स चाहें तो इस टाइप की वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कई प्रोडक्ट में आपने देखा होगा साइज चार्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक शर्ट और मैन यहाँ पर सर्च करता हूँ और कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इसमें वेरिएशन की वजह से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा है, प्लस रेटिंग रिव्यूज़ की वजह से भी कर रहा है। आप कई प्रोडक्ट में देखोगे काफ़ी डिटेलिंग आपको दिखेगी फोटोज़ में, उन प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, तो आप वो ज़रूर करें, राइट। प्रोडक्ट के अपने स्पेसिफिकेशन वगैरह फ्रंट इमेज में ज़रूर दिखाएं, राइट। जहाँ पर अलाउड है वहाँ पर, स्पेशली मीशो में अलाउड है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कई बार ब्लैंक इमेज ही मांगते हैं, मतलब सिंपल इमेज, राइट। नेक्स्ट सेलर इन्फो आप ज़रूर फीड करिए। देखिए फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो, मतलब मीशो पर तो नहीं है, बट फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जब आप अपने सेलर पैनल पे जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेलर के बारे में लिखने का होता है, तो वहाँ पर आप अपने बारे में डिटेलिंग में लिखिए कि आप किस कैटेगरी में डील करते हैं, उससे भी आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट कैटेगरी स्पेसिफिक, अच्छा जो लास्ट वाला पॉइंट है ना इसमें, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में या एसईओ में, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। इससे पहले पॉइंट नंबर 11, कैटेगरी स्पेसिफिक सेलर्स। अब ये चीज़ मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मान के चलिए एक सेलर है जो सारी कैटेगरीज बेच रहा है एक ही अकाउंट में, वर्सेस एक सेलर है जो एक ही अकाउंट में एक ही कैटेगरी बेच रहा है, राइट। तो प्रेफरेंस हमेशा उसको मिलता है जो एक ही कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस्ड है,
क्योंकि देखिए ये एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आपके एरिया में कई दुकानें ऐसी होंगी जो एक ही प्रोडक्ट को की सारी वैरायटी रखती हैं, तो आप कोई भी कभी भी वो प्रोडक्ट लाना है तो आप उनकी दुकान में जाते हो, राइट। तो इस तरीके से स्पेसिफिक चीज़ें, जब स्पेसिफिक कैटेगरी में आप जाते हो तो यहाँ पर रैंकिंग आपकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट प्लेस को लगता है कि अगर शर्ट टी शर्ट लिखा है तो ये सेलर्स को दिखाना चाहिए, ये सेलर बहुत अच्छी इस कैटेगरी में प्रोडक्ट की रेंज ला सकते, राइट। इसके साथ साथ एक बोनस पॉइंट मैं आपको और दे देता हूँ, वो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग। प्राइसिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में। अगर टी शर्ट किसी ने सर्च किया तो आपके अगर 500 रुपये का टी शर्ट है तो उसके ऊपर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन जो 100 से नीचे है या 200 से नीचे या मैक्सिमम 300 से नीचे, उनके रैंकिंग होने के चांसेस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। और ये तीनों मार्केट प्लेस पे अलग अलग रेंज होती है। जैसे सेम यहाँ पर आप, मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। टी शर्ट है, इनिशियल चार प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखो कौन से लिस्ट हो रखे हैं, 90, 185, 194, 190, मतलब 100 से नीचे के, ठीक है। वहीं आप अमेजोन पे ये सर्च करोगे तो अगर हम एक बार के लिए ऐड हटा दें, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है, ये चारों स्पॉन्सर्ड है, तो आप यहाँ पर देखो 400, 319, 298 और 699। तो अमेजोन में आप ये लगा लो आपकी 200 से लेके 600-700 रुपये तक का प्रोडक्ट को रैंकिंग इजीली करा सकते हो, राइट। अगर आप नॉन ब्रांड में भी जाओगे वहां पर भी आप देखो 200, 300, 400 के आसपास की प्रोडक्ट अच्छी रैंकिंग हो जाएगी। वहीं आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, फ्लिपकार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अगर हम ऐड को यहाँ पर स्पॉन्सर स्पॉन्सर इन दोनों को हटा दें तो यहाँ पर आप देखोगे 200, 200, 300, 300, 300, राइट। तो आप यहाँ से एक अंदाजा आप समझ जाओ कि अगर आपके इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेंज आपका 100 to 300 है, तो आप मीशो पे रैंकिंग के लिए उनका काम कर सकते हैं, और अमेजोन, उसके बाद फ्लिपकार्ट, अगर 200 से लेके 300, 400 तक का है तो वो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, और अमेजोन पे अगर आपका 200-250 से लेके 600-700 का है तो वहाँ पर रैंकिंग के लिए काम कर सकते हैं, या सेम प्रोडक्ट को आप अलग अलग रेट में इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अंदाजा अब हो गया, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 12 इज बैजेस। जितने आपको मल्टीपल बैजेस अपने प्रोडक्ट पे मिलेंगे उतनी अच्छी आपकी SEO प्रोडक्ट की या उतनी अच्छी रैंकिंग आपकी प्रोडक्ट की होगी। जैसे बेस्ट सेलर रैंकिंग के लिए आप काम कर सकते हैं, अमेजोन चॉइस होता है, फिशॉर्ड होता है, प्राइम होता है, एफ प्लस होता है, उसके बाद मीशो में आपका एम ट्रस्टेड होता है। इस टाइप के बैजेस अगर आपके प्रोडक्ट को मिलते हैं, प्लस आपके प्रोडक्ट पे डील लगी होती है, आपके प्रोडक्ट पे इस टाइप के देखिए हॉट डील है, डेली सेवर है, बाई टू आइटम सेव एक्स्ट्रा 80, इस टाइप की चीज़ों में आपको प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी जाए, राइट। पॉइंट नंबर 13 इज ब्रांडिंग। आपके प्रोडक्ट की जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग होगी वो उतना ज़्यादा रैंक करेगा। ये चीज़ स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए काम करती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है, अब जैसे कि टी शर्ट फॉर मैन अगर हम लिखेंगे तो टॉप लिस्टिंग्स आप यहाँ पर देखोगे, ये तो ब्रांड है, तो ये देखिए एलन सोली, ये भी लेरिया फैशन का है, लक्स कोजी का है, वेनुस, चारों ब्रांड्स आपने सुने हुए होंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप ब्रांडिंग पे काम करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो वहां पर उस कैटेगरी में जब सर्चिंग होगी तो आपके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपका ब्रांड उस कैटेगरी के लिए जाना जाता है, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 14 इज एड्स एंड टारगेटिंग। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि कोई भी कीवर्ड अगर कोई लिखेगा तो मेन जो ऊपर आते हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप टारगेटेड आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को आगे रैंक कराने के लिए, अच्छा SEO होने के लिए, प्लस आप टारगेटिंग कर सकते हैं उस कीवर्ड को जो कीवर्ड बायर लिखता है। अब मान के चलिए टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो लिखता है कोई बायर, राइट, तो ये प्रोडक्ट रैंक हो रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड को एज अ एड्स में टारगेटिंग फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 15 इज फिल्टर स्पेसिफिक। तो आप फिल्टर स्पेसिफिक भी अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हो। जैसे आपको पता है, मान के चलिए आप अभी कुर्ती में डील करने वाले हो, अब आपको पता है कुर्ती में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कुर्ती फॉर वुमेन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा ऑब्वियसली। तो जब भी मार्केट प्लेस पर कोई सर्च करता है तो सबसे पहले ये रेलेवेंस का फिल्टर ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइस लो टू हाई में जा सकते हैं कि आप कुर्ती लेके आए और लो प्राइस से कुर्तीज लेके आए, ताकि आपके प्रोडक्ट को लोग एटलीस्ट टेस्ट करें एक बार, उस पर रेटिंग रिव्यू दें इस टाइप की, ठीक है। अगर आप चाहें तो हाई टू लो में भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको फिर प्रोडक्ट की वैरायटी उस टाइप की रखनी पड़ेगी। जैसे ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हाई टू लो में आप देखो कि सबसे टॉप प्राइस कुर्ती में 3672 का चल रहा है, राइट। अब कई बायर होंगे जो हाई टू लो का फिल्टर लगाएंगे, राइट, तो आप क्या कर सकते हो,
4000 की कुर्ती बेच सकते हो, और उसमें एक कुर्ती नहीं बेचनी है, 4000 की मान के चलिए आप 8 कुर्ती बेच सकते हो 500 रुपए पर पीस, राइट। तो इस टाइप से भी आपकी रैंकिंग बढ़ती है। इसके बाद यूएस फर्स्ट में तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट आ सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे प्राइस के फिल्टर में तो आप एक प्राइस बैंड सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड वाइज जो है वो सेलर बायर सर्च करेंगे। इसके अलावा टाइप होता है हर प्रोडक्ट का अलग अलग, इस टाइप से, और पैक ऑफ के हिसाब से भी आप कर सकते हो। सेम अमेजोन पर भी फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है और यहाँ पर भी फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है। तो फिल्टर स्पेसिफिक आप अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग या SEO का कर सकते हो, राइट। फाइनल पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने शुरू में आपको बताया था चप्पल लिखा और चप्पल आ गया या सबसे ज़्यादा रैंकिंग होती, वो होता है रिव्यूज एंड रेटिंग्स। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि कई प्रोडक्ट, कोई भी आप कीवर्ड लिखो टॉप में, जो प्रोडक्ट होंगे टॉप फर्स्ट पेज में, उनमें से 90% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनमें रेटिंग रिव्यूज ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो रेटिंग रिव्यूज हैं प्रोडक्ट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और अच्छे रेटिंग रिव्यू आए। अगर अच्छी रेटिंग रिव्यू होगी, ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट टॉप में रैंकिंग करेगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, और हम यहाँ पर अभी प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेता हूँ, अभी यहाँ पर ले लेते हैं किड्स का, किड्स का कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम लेते हैं किड्स स्लीपर। तो आप यहाँ पर देखोगे ये प्रोडक्ट तो कम प्राइस की वजह से रैंक हुआ है। इस प्रोडक्ट में आप रेटिंग देखो 2164, ये भी बहुत कम रेट है और आई गेस अभी अच्छा चल रहा है इस वजह से रेटिंग हो रहा है। इसमें 91 रिव्यूज है, तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर हो सकता है, कुछ और चीज़ की वजह से रैंक हो रहा हो। इसमें 2000 रेटिंग है, तो आप देखिए रेटिंग सबसे ज़्यादा, रेटिंग एंड रिव्यूज यहाँ पर मायने रखती है सारी चीज़ों से ऊपर। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, इन सबसे ऊपर जो सबसे टॉप में रहती है वो रहती है रेटिंग एंड रिव्यूज। आप अगेन फ्लिपकार्ट पे हम आ जाते हैं, तो ये ऐड है, ये ऐड है, ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला प्रोडक्ट आप चेकआउट कर सकते हैं अंदर जाके, तो इनमें काफ़ी अच्छी आपको रेटिंग रिव्यूज मिल जाएंगे, राइट। एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर चेक भी कर लेंगे, स्पॉन्सर्ड ये वाला प्रोडक्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं, 196 में रेटिंग्स, राइट, ठीक है, अच्छा है। ये प्रोडक्ट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 5758 रेटिंग्स, राइट। सेम चीज़ अगर आप अमेजोन पे भी जाओगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी देखने को कि प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स एंड रिव्यूज होंगे, जिस वजह से वो प्रोडक्ट अच्छा रैंकिंग कर रहे हैं। 3000 है इसमें एक है, बट यहाँ पर ये प्रोडक्ट आई गेस रैंकिंग इस वजह से भी हो रहा है कि रिसेंटली इसमें काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, प्लस मैं कूपन वगैरह भी बायर ने लगा रखा है, राइट। इसके अलावा 137 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 21, 295, 196, तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 50+ रेटिंग्स जब आपके प्रोडक्ट पे आते हैं। और रेटिंग्स का भी एक फंडा हो मैं आपको और बता देता हूँ। आप बोलोगे सर ये 5 रेटिंग के साथ रैंक कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट 50 रेटिंग के साथ भी रैंक नहीं कर रहा है, तो इसमें भी एक फंडा होता है कि रिसेंट कुछ टाइम में कितनी रेटिंग्स आई है, कितने डिलीवरी में कितनी रेटिंग आई है, उसमें कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, राइट। 50 हो सकते हैं, बट एक साल में 50 आएंगे तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक हफ्ते में 5 आ गए तो वो बहुत बड़ी चीज़, राइट। तो आई गेस ये चीज़ें आप इस तरीके से समझ जाए। तो ये सारा इस्तेमाल करके, ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे अपने प्रोडक्ट का या तो ऑप्टिमाइजेशन हम इसे बोल सकते हैं, या लिस्टिंग SEO हम इसे बोल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने सेलर्स फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी मेरे टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।